कल आपके हस्बैंड आए थे, चोखर और रानी हार होता है, इसमें लेके बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। यार ये पागल है क्या यार, एनिवर्सरी है 4 दिन में तो कुछ भी करेंगे। वो इसलिए थोड़ी कंफ्यूज हो रहे थे कि आपके लिए ले या नहीं ले। वो अपने दोस्त के साथ आए थे, उनकी वाइफ भी थी। क्या मतलब किसी को भी उठा के कॉल कर देते, उसकी बीवी आई थी, उसको भी कुछ चाहिए था, मुझे फालतू में कॉल कर दिया, मैं तो रेडी भी हो गई थी। हेलो संगीता जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? संगीता जी मैं वो ज्वेलर से बोल रहा हूँ, आप कैसे हैं? अब मैं बड़ी और ज्वेलर से हाँ ज्वेलर से। संगीता जी मैं इसलिए कह रहा था कि कल आपके हस्बैंड आए थे यहाँ पे ना, शॉप पे। मेरे हस्बैंड? हाँ जी। अच्छा, और मैंने ऐसे आपको कॉल भी कर दिया, पता नहीं उन्होंने वो ऐसा ना कर रहे हो कि वो उसको सीक्रेट रखना चाह रहे हो। अच्छा, कितने बजे आए थे वो? ये आए थे लंच के बाद, मैं लंच करने गया हूँ, उसके बाद मैं आया हूँ तो बैठे हुए थे, तो मैं मिला तो बहुत अच्छा, कंफ्यूज हो रहे थे। मुझे तो बताया नहीं उन्होंने। हो सकता है ना बताया हो, मैंने कहा वो कर दूँ। अच्छा क्यों है वो ना, वो मैं आपको बताता हूँ, आप ही कंफ्यूजन दूर कर दो। वो चोखर और ये जो आपका रानी हार होता है, इसमें लेके बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। मेरे से कह भी रहे थे कि अभी रुक जाओ, अभी फैसला नहीं लेना, तो हाँ। बड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। यार ये पागल है क्या यार, एनिवर्सरी है 4 दिन में तो कुछ भी करेंगे। मतलब चोकर यार क्या और क्या बोल रहे थे? चोकर और रानी हार में चोकर और रानी हार, हाँ, इसमें लेके इतने कंफ्यूज थे हाँ, कि बहुत ज्यादा। हालांकि मैंने तो उनसे कहा कि चोकर ज्यादा सही रहता है, बोले नहीं मुझे लग रहा है रानी हार भी सही रहता है। यार मेरे पति से अच्छा मुझे सच में कोई नहीं जानता। रानी हार मैं 5 साल से फोटोज देखती हूँ, रोज रात गूगल पे। हाँ तो रानी हार ही है ना, मैं भी रानी हार कोई कह रहा था मैं। अरे मेरे को बाद में कहने के नहीं चोकर सही रहता है। यार पागल है क्या यार, मेरे पास मैं यही कह रहा था। मैंने कहा चोकर के आगे नहीं है, वो खूबसूरती नहीं मिलती चोकर में, आप खुद देखो ना। और आप अगर चोकर देखोगे ना, इतना अच्छा हाथ का काम हुआ है उसमें कि वो मुंह से बोल रहा है। लेकिन अच्छा। इतने कंफ्यूज थे कुछ फैसला ही नहीं ले पाए। नहीं मैं बात करती हूँ उनसे। आप उनका ना कंफ्यूजन दूर करो, उनसे कहो कि मैं भी ये कह रहा था, मेरा नाम यहाँ पे विक्रम है। आपके पास आए ना कॉल, या फिर वो खुद आ गए ऑफिस के बाद? नहीं ऑफिस के बाद तो चोकर ही, हाँ चोकर ही लेंगे ना, चोकर ही। रानी हार है मेरे पास ऑलरेडी। नहीं और मैं बताऊँ, रानी हार की वो बात भी नहीं रही जो आप चोकर की बात है। अरे वही तो, अभी ट्रेंड से बाहर चला गया, इसलिए तो मैं बोल रही थी उनको मना करता हूं, से भी बात बिल्कुल ना हो। वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। नहीं मैं भी बता दूंगी उनको, आप बता देना। अच्छा आपने कॉल कर दिया मुझे। हाँ जी। अरे एक काम करते हैं, मैं आज अपने हस्बैंड के साथ आई जाती हूँ कि ताकि मतलब मैं नाप वाप भी देखूँ, डिजाइन भी देख लूँ, कौन सा आजकल जो नया आता है आया ना वो हाथ वाला काम, वो ले लूंगी मैं। तो आप क्यों आ रहे हो? अरे वो नाप भी दे दूंगी ना मैं। अरे नहीं वो इसलिए थोड़ी कंफ्यूज हो रहे थे कि आपके लिए ले या नहीं ले। वो अपने दोस्त के साथ आए थे, उनकी वाइफ भी थी, तो दोस्त ले आया होगा साथ में आपके हस्बैंड को। तो आपके हस्बैंड से उसने मशवरा लिया, भाई अपनी वाइफ को मैं चोकर दिलवाऊं या रानी हार। इतना कंफ्यूज बंदा 2 घंटे तक कंफ्यूज रहा। उनका दोस्त कहने भी लगा कि मेरी वाइफ, तो उसकी वाइफ भी कह रही थी मैं चोकर दिला दो मेरे को, लेकिन आपके हस्बैंड कंफ्यूज और कह रहे हैं अपने दोस्त से कि यार चोकर और रानी हार में से मैं समझ नहीं पा रहा, तुझे अपनी वाइफ को कौन सा दिलाना चाहिए। अच्छा हाँ जी, तो ये बोलने के लिए आपने मुझे अभी कॉल कर दिया। हाँ जी। भाई साहब पागल हो गया थोड़े से आप। क्या मतलब किसी को भी उठा के कॉल कर देते, उसकी बीवी आई थी, उसको बीवी को चाहिए था, मुझे फालतू में कॉल कर दिया, मैं तो रेडी भी हो गई थी। पागल लोग के देख के कॉल घुमाया करो यार। तो रानी हार करवा दें उनके लिए? मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं, कुछ फोन काटो, पागल कहीं का दिमाग खराब करके रख